हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कपूर और हमने अपनी पिछली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट पूरी की है। उसके 30 लेक्चर्स हैं जिसे आप अच्छे से देखिए और उसके बाद में हम अपनी सेकंड यूनिट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये यूनिट का नाम भी है और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपको पता है कि जब तक चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही रैंडम मोशन कर रहे हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स में, तब तक हम उसे बोलते हैं कि वो स्टैटिक चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है वो। लेकिन जब चार्ज जो है वो अपने प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं? आपके पास में कोई भी एक कंडक्टर है और उसे आपने, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये मेटल से बनी हुई वायर है, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है जब तक कि हमने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। कोई इलेक्ट्रॉन ना तो इधर से इधर जा रहे हैं ना इधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पर एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एक एंड को हायर पोटेंशियल से और दूसरे को लोअर पोटेंशियल से, नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इसके अंदर चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पिछले यूनिट में किया हुआ है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ लगेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम मानेंगे कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं वो अपने साथ चार्ज को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज होता है क्यू, और इलेक्ट्रॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलम। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई उसकी हम इस चार्ज से, एलिमेंट्री चार्ज से कर देंगे, तो हमें टोटल चार्ज फ्लो पता चल जाएगा। अब ये टोटल चार्ज का जो फ्लो है, अगर ये जल्दी हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, तो आप ये मानते हैं कि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ज्यादा टाइम में हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम ये मानते हैं कम करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट का जो फ्लो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जब SI यूनिट्स का यूज करते हैं, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, तो उसमें आता है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालते हैं? चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, कितना चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हुआ है, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का, कंडक्टर का, तो कितना चार्ज इधर से इधर पास हुआ है या उधर से इधर पास हुआ है और कितने टाइम इंटरवल में हुआ है। तो रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब ही क्या होता है कि टाइम से डिवाइड करना, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को ही आप एम्पियर कहते हो।
और एम्पियर जो है वो बेसिक यूनिट है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज, उनका नाम मैं आपको याद दिला देता हूं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि ये अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम कहीं पर भी करंट को हम बता दें कि कितना है, तो उससे हम बाकी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, जबकि ये खुद इसकी एक यूनिट जो एम्पियर है वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, उस दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो एम्पियर को कूलम पर सेकंड लिखना ज्यादा सही नहीं है, बल्कि कूलम को एम्पियर सेकंड लिखना ज्यादा प्रॉपर है, क्योंकि करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कूलम इज इक्वल टू वन कूलम इज इक्वल टू वन एम्पियर सेकंड, यानी कि अगर किसी वायर में या कंडक्टर में वन एम्पियर का करंट वन सेकंड तक फ्लो करता है, तो उसके अंदर जो फ्लो करने वाला चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका अमाउंट होगा वन कूलम। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डायरेक्शन वो वाली डायरेक्शन नहीं है जो वेक्टर्स में होती है, क्योंकि अगर वेक्टर में क्या होता है कि अगर आपके पास में एक ये फोर्स है एफ वन और एक ये दूसरा फोर्स अगर आपने किसी एक बॉडी पे लगाया एफ टू, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, यानी कि इस थीटा पे डिपेंड करता है, और एफ इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, यानी कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी जंक्शन की तरफ करंट फ्लो करवा रहे हैं, एक तरफ से आ रहा है आई वन करंट और दूसरी तरफ से आ रहा है आई टू करंट और ये करंट आगे जा रहा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू आई वन प्लस आई टू ही होगी, और इनके बीच के एंगल को हम चाहे जितना भी चेंज क्यों ना कर लें, रिजल्टेंट करंट जो आगे वायर में बढ़ने वाला है आई वन प्लस आई टू, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा चाहे आप एंगल कुछ भी रखें, यानी कि इनका रिजल्टेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर जो है ये चार्ज छोटे अमाउंट में फ्लो कर रहा है छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको चार्ज दे रखा है टाइम के वेरिएबल की फॉर्म में, टाइम की पावर्स की फॉर्म में, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। करंट जो है वो दो तरीके के होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एक तो आपका स्टेडी करंट और एक होता है आपका वेरिएबल करंट। स्टेडी करंट का मतलब है कि जो इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ स्टेडी रहती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। जैसे कि हम बैटरी से लेने वाले करंट को हम स्टेडी मान सकते हैं, जबकि वो भी स्टेडी नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जब हम एकदम कनेक्शन करते हैं या बाद में थोड़ी देर बाद में जो है करंट की वैल्यू, जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगे या कनेक्शन टूटने लगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, या वायर गर्म होने से करंट की वैल्यू में चेंज आ जाता है। लेकिन हम फिर भी हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टेडी करंट है, यानी डीसी करंट है। तो डीसी वैसे डायरेक्ट करंट होता है, डीसी में डीसी भी दो तरीके का हो सकता है, स्टेडी भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम अगर हम टाइम और करंट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये एक स्टेडी डीसी करंट है। और अगर इन्हीं के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं और ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है, ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है, तो ये आपका स्टेडी करंट नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल करंट है। लेकिन क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये डीसी करंट है। और अगर
चार्ज का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो रहा है, नेगेटिव में भी हो रहा है, तो ये आपका ये भी वेरिएबल करंट है, लेकिन ये आपका एसी करंट है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज का फ्लो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में होता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेडी एंड वेरिएबल दो टाइप के आपके करंट्स हैं। और टू टाइप्स के करंट है, स्टेडी एंड वेरिएबल। और मोटे तौर पे हम इसे डीसी करंट यानी बैटरी से जाने वाला करंट और एसी करंट जो हमारे घरों में आता है ट्रांसफार्मर से, तो दो तरीके का हम मान सकते हैं। तो डीसी के लिए, स्टेडी डीसी के लिए ये फिगर है, और वेरिएबल जो एसी हमारे घरों में आती है एसी करंट उसके लिए ये है, और वेरिएबल डीसी आपका ये है अगर आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है डीसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपका देखेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।